मैं समझता है कि जिहड़े मोर्चे दे संचालक है क्योंकि हवारा साहब आप ते जेल विच ने वो बेहुदा जिहड़े है वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिहड़े बंदे उत्थे जा रहे हैं। पहला बाबा बलजीत सिंह जी दादू वाल गए, फिर तामी साहब गए। मैं भी स्पष्ट मेरी जो सोचनी है कि भाई हरजिंदर सिंह तामी ही सी जिहड़ा इन्ने क्राइसिस के बावजूद उस मोर्चे की सपोर्ट करने वास्ते गया। हम एक पासे तो उस ही संघर्ष का एक हिस्सा है जिहड़े भाई सतनाम सिंह खंडे हुणी वो तो पहुँच कर रहे हैं भी तुसीं आओ, फिर उन्होंने पहले बुलाया जाता है, बुलाने वेले भी जी आया कह जाता है, उन्होंने सत्कार किया जाता है, धन्यवाद किया जाता है। जो उन्होंने हमला हो जाता है तो फिर उन्होंने बड़े गलत ढंग के नाल जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है भी आ जी बात सी जी, आ गल सी जी, वो तो हमला हो गया जी। मैं कहना भी ये जिहड़ा बहुत जल्दी क्रेडिट लैन की काली च है ना जिहड़े संचालक मोर्चे के कुछ बंदे सारे नहीं। देखो इत्थे मिसलां रहियां, मिसलां दे विच बड़े वड्डे मतभेद होंदे रहे, पर जदों वो किसी दुश्मन दे वार नूं रोकण वास्ते किसी दुश्मन की साजिश नूं रोकण वास्ते इकट्ठे होंदे सी वो अपने सारे मतभेद भुला दिंदे सी। असीं ते पहले ही दिन 7 तरीक नूं मोर्चा लगा, 7 तरीक नूं ही साढ़े इंटरनेशनल जिहड़ी साडी इंग्लैंड की इकाई है इंटरनेशनल पद्धर ते इंटरनेशनल पंथक दल की उहदे मीत प्रधान भाई कप्तान सिंह जी पहले ही दिन उत्थे गए जत्था लैके और उत्थे बोले, उत्थे सपोर्ट करके आए। अज असीं 22 तरीक नूं ते बहुत सारे संतां महापुरखां नूं नेक सिंह जत्थेबंदियां नूं सिंह सभा होण नाल लैके जाण दी तैयारी कीती सी। तिहा घटना वेख के ते मन दे विच साडे वी शंका पैदा हुंदे आ वी जे असीं जिन्हां नूं असीं लैके जावांगे उहदी जिम्मेवारी वी साडी बनदी है, इस करके साडी जत्थेबंदी पूरा सहयोग देऊगी आपदे ढंग दे नाल वी असीं इह मसले नूं कौमांतरी पद्धर ते उठाउण दा यतन करांगे। सो जिहड़ा कल दा होया उहदे नाल बहुत मन दुख आ, सारिआं ने जाणा वी आ उत्थे जा भी रहे हैं, साढ़े निहंग सिंह दल उत्थे पहुँच भी रहे हैं, पहला भी सहयोग दिता, गां भी आने वाले समय के सहयोग देवे, पर जिन्हें उत्थे दे प्रबंधक ने उन्होंने सारियां नूं यकीनी बनाना पवेगा, जां तां खुल के दस देण के फलाना इत्थे आवे जां ना आवे, जे ना फिर जे खुल के नहीं दस सकते तो एक पासे ते आपां सारियां नूं बेनती कर रहे हैं कि मोर्चे नूं सफल बनाउण वास्ते सारे जाने आपो अपने इत्थे मतभेद छड्ड के जथेबंदियों को उत्ते उपर उठ के इस कौमी मुद्दे वास्ते इतने पहुँचो। तो दूजे पासे आपां जे आया जी कल्ले कल्ले दी संतां महापुरखां दी निहंग सिंह जथेबंदियों की बेपत्ती करांगे, जां असीं उन्हां नूं इहो जिहा सवाल पुछांगे तुसीं हवारे नूं जथेदार मानदे हो कि नहीं मानते, इहदे नाल जिहड़ा इह कौमी मसला जिहड़ा साडा उह निबरे नहीं चढ़ना। श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका जथेदार भाई जसवीर सिंह खालसा अज साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहला वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहब सब तो पहला जिहड़ा क्वेश्चन है वह यही है कि जिहड़ा बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके जिहड़े पावन स्वरूप जिहड़े ने उह लापता होए, होर भी कई मुद्दे ने जो सिख संस्थावां दे ने उहनां नूं लैके जिहड़ा इंसाफ मोर्चा लगा होया है उस नूं लैके तुहाडे की विचार ने? सब तो पहला देश विदेश विच वाहिगुरु गुरु खालसा जी नूं दास निम्रता सहित फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी टीवी अज दी आवाज़ दे माध्यम राही और आवाजे कौम दे माध्यम राही आप जी नाल कुछ जरूरी मसले सांझे करने चाहुंदे आ। तुसीं पुछिआ भी जिहड़ा कौमी मोर्चा सांझे तौर ते लाया गया है इहदी बहुत वड्डी जरूरत सी। मैं समझदा कि जथेदार भाई जगतार सिंह जी हवारा ने यह उपराला किया, जिहड़े उन्होंने धर्म के पिता है सरदार गुरचरण सिंह जी, उन्होंने बहुत संस्थावां तक पहुँच की भज नठ की और उन्हों का ये कहना सी जो दास दे तक भी उन्होंने स्नेह मिले, खुद भी उन्होंने भाई गुरचरण सिंह जी ने मेरे नाल फोन पर भी लंबी वार्ता की कि आप सारे रल के पिछले मतभेद भुला के सांझे रूप दे विच आपां मोर्चा लाइए। तो मैं समझदा कि ये एक बहुत वड्डी पहलकदमी सी क्योंकि थावां थावां ते ये भी मैं कहना चाहुंदा कि ये कोई पहला मोर्चा नहीं, बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते बड़े उपराले कीते गए। सब तो पहला भाई सूर सिंह जी ने भुख हड़ताल रखी, बड़ा संगतां ने उन्हें सहयोग दिता,
वो एक वक्रा इशू है, पर वो 7 साल एक तरह का नज़रबंद रहा। दुनिया का ध्यान उन्हें खिंचया भी बहुत सारे सिख जेलों च बंद आ। उस तो बाद भाई गुरबख्श सिंह ने अम साहब विखे मोर्चा लाया, उधर नू भी संगतों का ध्यान होया। दुनिया के एक मंत्री पद्धर से गल उठी कि बहुत सारे सिख जिहड़े है वो जेलां कट चुकन दे सजावां पूरियां कर चुकन के बावजूद भी जेलां च बैठे। उस तो बाद बहवल विखे बरगाड़ी विखे ये मोर्चा लगा, जिथे सारा पंजाब दे राही मीडिया दे राही सारी दुनिया च ये गल गई। वख वख संस्थावां ने और निजी तौर पर भी जिथों तक किसी ने मेमोरेंडम दिता, किसी ने मता पाया, किसी ने निखेधी की, किसी ने आज़ादी के दिवस वाले दिन भी इनू काला दिवस मनाया कि साढ़े सिंह रिहा करो। बहुत वारी ये आवाज़ उठी, ये कोई अज पहला मोर्चा ज पहला उपराला नहीं, पर सांझे रूप के उपराला करन दे यतन किए गए, शलाघाजोग है। ये बड़ी वड्डी सफलता दे आसार नज़र आ रहे हैं और सारिया ही संस्थावां समय समय ये सहयोग देने यतन कर रही हैं। ये एक चंगा यतन है, यतन चंगा है जो मोर्चा लगा है, पर जिहड़ी कल घटना वापरी है उसनू किवें देखदे हो? क्योंकि SGPC दे प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी उत्थे पहुंचदे ने, उन्हां दे नाल होर भी कई मैंबर हुंदे ने, पर उत्थे उन्हां दे नाल है जिहड़ी घटना वापरनी, इसनू किवें वेखदे हो तुसीं? मैं समझदा हां कि जिहड़े मोर्चे दे संचालक है, क्योंकि हवारा साहब आप ते जेल विच ने, वो बेहुदा जिहड़े है वह क्वेश्चन कर रहे हैं जिहड़े बंदे उत्थे जा रहे हैं। पहला बाबा बलजीत सिंह जी दादू वाल गए, फिर धामी साहब गए। मैं भी स्पष्ट मेरी जो सोचनी है ये भाई हरजिंदर सिंह धामी ही सी जिहड़ा इन्ने क्राइसिस के बावजूद उस मोर्चे की सपोर्ट करने वास्ते गया। इहदी जगह कोई होर पहले प्रधानों चों कोई प्रधान होंदा तो शायद इस पासे सोचदा बना, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जिन्हें वकालत करदिया होया बहुत सारे सिंघां दे जिहड़े संघर्षशील सिंह सी उन्हां दे केस लड़े और कोई पैसा नहीं लिया। जोधपुरी सिंघां दे केस लड़दे लम्मा लम्मा सफ़र करते रहे, पर इन्हां ने कोई किते पैसा नहीं लिया। अज भी जे ये बैठे है प्रधान बन गए श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे, इहदियां पिछलियां संघर्षशील गतिविधियां तो सानू फायदा चुकना चाहिए। और जे वह गए है तो एक लम्मी सोच लैके गए है कि साढ़े विच बहुत बखरेवे है, कॉमन जिहड़े प्रोग्राम है सांझे प्रोग्राम है घट तो घट विवाद वाले जिहड़े असीं जिथे लिया सकते हैं सानू सांझे कर लेने चाहिए है, और उहदे तक पहुँच भी की गई। हुण एक पासे तां उस ही संघर्ष का एक हिस्सा है जिहड़े भाई सतनाम सिंह खंडे हुणी वो तां पहुँच कर रहे हैं भी तुसीं आओ, फिर उन्होंने पहला बुलाया जाता है, बुलाने वेले भी जी आया कह जाता है, उन्होंने सत्कार किया जाता है, धन्यवाद किया जाता है। जो उन्होंने हमला हो जाता है तो फिर उन्होंने बड़े गलत ढंग के नाल जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है भी आ जज्बात सी जी, आ गल सी जी, वो ता हमला हो गया जी। मैं कहना भी ये जिहड़ा बहुत जल्दी क्रैडिट लैन की काली च है ना जिहड़े संचालक मोर्चे के कुछ बंदे सारे नहीं, हुण जिहड़े जथेदार गुरचरण सिंह हुणी आ वो बेचारे तो बजुर्ग उन्होंने इन्हां सियासी कुंडियां का नहीं पता जिहड़ियां होर बंदे जिहड़े मोर्चे के संचालक कर रहे हैं ना। भाई हवारा अंदर है पर वो सोचते किसी ने अज ही सानू क्रैडिट मिल जूगा। देखो बंदी सिंह तो एक दिन रिहा होने हैं, जिन्ना असी सांझे रूप में सब नू सद्दा दे के सब का सहयोग लवेंगे उन्ना ही वध प्रैशर बनूगा, वध प्रभाव बनूगा, दुनिया में गल जाऊगी। पहला तुसी जिहड़े आई व्यक्ति जे तुसी जलील करोगे इन्हां नू किहने अधिकार देता भी उत्थे अदालत ला के बैठ के जाण भी तुसी दसो तुसी पंथक हैगे कि है नहीं, ये आप पंथक हैगे कि है नहीं जी। ये सवाल उठे कि इहदा जवाब संचालक सारे दे देणगे, कुछ बंदियां नू छड्ड के कई तो अमृतधारी भी है नहीं जी। इस पासे नहीं मैं जाना चाहुंदा, मैं चाहुंदा भी जिहड़े हाँ तुसी संचालन करन दी उन्हां नू इजाजत ना दिओ, जदों फैसला करना होया गौरमेंट टेबल ते गल करूगी उदों तुसी आप करिओ, तुसी आप नबेड़ियो, तुसी वेखियो कित्थे तक साडियां मंगां मन्नियां गईयां, कित्थों तक किस मोर्चे नू लैके जाणा, ये अपने हाथ च पावर रखो। पर जे कोई थोनू अपने साधन मुहैया करवाउंदा है, संगत मुहैया करवाउंदा है, अपनी शक्ति मुहैया करवाउंदा, तुसीं उहदे तों वी वांझे रहि जाओगे। अज सरदार हरजिंदर सिंह धामी अज्ज एक व्यक्ति नहीं गा,
सिखां दी चुनी हुई संस्था का एक प्रधान है। उहदे नाल साढ़े संस्था दे नाल कई मतभेद पैदा हो गए, पर इहदा मतलब यह नहीं कि असीं उहनां दी मदद ही नहीं लैणी। तो अज उत्थे इहो जिहे सवाल किए जा रहे, मैं हैरान होया कि असीं पुछदे हाँ भी तुसीं भाई जगतार सिंह हवारा नूं जथेदार अकाल तख्त मनदे हैं कि नहीं मनदे, कि तुसीं इह स्पष्ट करदे हाँ भी जिहड़े भाई जगतार सिंह हवारा नूं जथेदार मनदे आ असीं उहनां दी ही सपोर्ट लैनी है, दूजिआं दी सपोर्ट नहीं लैनी, जां तां स्पष्ट करो जां तुसीं खुले तौर पर तुसीं इहो जिहा इक बीज बीज रहे हैं, नफरत का बीज पैदा कर दोगे जिन्हां सिंघां दी खातर असीं मोर्चा ला रहे हैं ना, भी ये बंदे बाहर आने चाहिए है, रिहा होने चाहिए है, इस गल ते तां उह वी इक मत नहीं होने, सारे तां उह वी जथेदार हवारा नूं जथेदार नहीं मनदे, कि यह एक दुविधा खड़ी करांगे पहलां असीं, जिहड़ा उन्हां दा आपसी प्यार है, जिहड़ा उन्हां दी कुरबानी है, जिहड़ा उन्हां उन्हां दी कौम नूं देण है, उहदे विच वी वंडियां पा देंगे असीं, इहो जिहे सवाल नहीं करने चाहिए। देखो इत्थे मिसलां रहियां, मिसलां दे विच बड़े वड्डे मतभेद होंदे रहे, पर जदों उह किसी दुश्मन दे वार नूं रोकण वास्ते किसी दुश्मन की साजिश नूं रोकण वास्ते इकट्ठे होंदे सी, उह अपने सारे मतभेद भुला दिंदे सीगे, इकट्ठे होकर युद्ध लड़ते सी, अपनियां सारियां गल्लां छड्ड दिंदे सी। साढ़े कोल धर्म युद्ध मोर्चे दीयां मिसालां पईयां, संत बाबा जरनैल सिंह खालसा जी दीयां पईयां, उदों भी श्रोमणी कमेटी नाल अकाली दल नाल संत बाबा जरनैल सिंह जी दे मतभेद सीगे, पर वह सब पिछे छड्ड दित्ते, इकट्ठे होकर युद्ध लड़न की एक नीति अपनाई गई सी। अज जी असी अपनियां पग्गां नूं लग पए, जे मैं यह भी कहना चाहुंदा कि ठीक है अज जो किसी एक संस्था विच बैठे व्यक्ति है जिहड़े बंदे नाल गए सी प्रधान दे, उन्होंने भी दस दस साल जेल कट्टी है, जे उन्हां चों एक भी दो बंदे कार चों निकल आउंदे कहिंदे लै भी तुसीं कौण हुंदे साडे ते इट्टां रोड़े मार करन वाले, उत्थे पग्गां लगदियां ना। इस करके इस राह ते नहीं पैणा चाहीदा, बड़ी दयानतदारी नाल इह लंबे संघर्ष कई बार हो जाते हैं, उस ढंग नाल ही लड़ने चाहिए है। मैं फिर कहना कि फैसला लैन वेले तुसीं अपने हथ च कमांड रख लियो, पर सहयोग लैण वास्ते तुसीं इदां दी भाषा ना वरतो अते ना ही इहो जी पहुँच बनाओ, ना इनू जस्टिफाई करो, ये गलती है जिहड़ी तुहाडे कोल गलती हुई है उनू मन्नो। संगत दे विच भी ये भाई हरजिंदर सिंह धामी दे उपर जिहड़ा हमला होया ये गलत होया, ये निंदनयोग है और ये ना बर्दाश्त करन योग है, इनू मन्नो। एक पासे तां माफ़ी मंगदे हां भी ये गलत हो गया, इस दी असीं संगत तों माफ़ी मंगदे, एक पासे उनू जस्टिफाई करदे हां, डबल काम ना करो, हले तो मोर्चा लगे नूं कुछ देनी होए है, ये मोर्चा कल नूं भी फतेह हो सकता है, ये मोर्चा लम्मा भी चल सकता, इस करके इहदे ते सहयोग लैण दी लोड़ है। मैं कहना चाहुंदा कि जिहड़ा सरदार हरजिंदर सिंह धामी ते हमला होया है, आपसी भरा मारू युद्ध नूं ये बढ़ावा देगा, इहदे च प्रशासन की भी फेलीअर है और प्रबंधकों की भी फेलीअर है, जिहड़े संचालक ने मोर्चे दे। इंसाफ मोर्चा और किन्ना लंबा चल सकता है, तुहाडे वल्लों तुहाडी जथेबंदी वल्लों किदां हिमायत कीती जा रही है? देखो असीं अज इसे करके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, असीं 22 तरीक नूं बहुत वड्डा जत्था लैके असीं मोर्चे विच शामिल होने वास्ते हमायत देने वास्ते जाने की तैयारी की हुई है, जिहदे विच बहुत सारे संत महापुरख भी है, SGPC मैंबर भी है, सधारण जथेदार भी है, बहुत सारे संगतां दा भी सानूं सहयोग है, पर जिहड़ी कल दी घटना हुई है ना इहदे करके असीं जिहड़ी 22 तरीक वाला प्रोग्राम है असीं मुलतब करन लगे हाँ। मैं नहीं चाहुंदा कि साढ़े नाल जिहड़े महापुरखां ने जाना है कोई उहदी उत्थे इनसल्ट करे, बेइज्जती करे, पहला माहौल इहो जिहा सिरजन जिहड़े संचालक है वह इस चीज़ नूं साबित करन कि असीं आईयां हुई संगतां दा जिम्मेवार महापुरखां दा निहंग सिंह जथी मेरे नाल तो बहुत सारे निहंग सिंह मुखी जा रहे ने जी, उहनां नूं कल नूं कोई इहो जी गल कहण बई इत्थों कोई मसला होर उठा के बह जाण, उत्थे कोई अदालत नहीं लगी हुई, असीं स्पष्टीकरण देण जाणा उत्थे भी पंथक हैगे कि नहीं। अज मैं हैरान मंनदा एक पंजाबी दी कहावत है उजड़े बागां दे गालड़े पटवारी, ठीक है साढ़े च बखरेवे पै गए, असीं वक्रे वक्रे हो गए, जिन्होंने संघर्ष लड़िया जिन्होंने अद्धा अद्धा परिवार शहीद करवा लिया, जेलां कट्टियां 10-10, 12-12 साल, तो अज जिन्हों की चीची तो चीर नहीं आया तो वह आके सूँ पुछते हैं कि तुम दस्यो भी है पंथक नहीं है उत्थे जवाब देने जाना है,
नहीं असी एक लड़ाई लड़नी है, इस लड़ाई नूं लड़न वास्ते बड़ी शातर साजिश है साडे सामने। जिहड़ी सेंटर दी सरकार है उन्हें कई तरह के हथकंडे अपनाने हैं, एजेंसियां ने अपने अपनाने हैं, भरावां नूं युद्ध किवें कराउणा इहदी बड़ी महारत है उन्हां कोले। सानूं सारियां गल्लां तों सुचेत होना पैणा है। असीं भविख विच तैयारी करके साड़ी हुण वी बहुत वड्डी तैयारी है, असीं बैनर बनाए, झंडे बनाए, बाई डेट लिख के सारी कोई तैयारी की हुई है, पर वो बेकार जाएगा सानूं पता है। पर असीं इन सारियां गल्लां नूं बर्दाश्त करके असीं चाहवांगे कि इहदे विच निखार आउणा चाहीदा है, इहदे च क्रैडिट लैण दी काहली नहीं करनी चाहीदी भी अज ही सानूं क्रैडिट मिल जाए। क्रैडिट तां देखो किन्ने सिंघ शहीद हो गए, इस इन्हां सिंघां दी नज़रबंदी तों बाद किन्ने सिंघ शहीद हो गए। असीं तां पहले ही दिन 7 तरीक नूं मोर्चा लगा, 7 तरीक नूं ही साढ़े इंटरनेशनल जिहड़ी साडी इंग्लैंड दी इकाई आ इंटरनेशनल पद्धर ते इंटरनेशनल पंथक दल दी उहदे मीत प्रधान भाई कप्तान सिंह जी पहले ही दिन उत्थे गए जत्था लै के और उत्थे बोले, उत्थे सपोर्ट करके आए। अज असीं 22 तरीक नूं ते बहुत सारे संतां महापुरखां नूं निहंग सिंह जथेबंदियां नूं सिंह सभाओं नूं नाल लै के जाण दी तैयारी कीती सी। तिहा घटना वेख के ते मन दे विच साडे वी शंका पैदा हुंदे आ भी जे असीं जिन्हां नूं असीं लै के जावांगे उहदी जिम्मेवारी वी साडी बणदी है। इस करके साडी जथेबंदी पूरा सहयोग देऊगी, आपदे ढंग दे नाल वी असीं इह मसले नूं कौमांतरी पद्धर ते उठाउण दा यतन करांगे। जो मोर्चा चल रहा उस दे विच नौजवान वी शामिल ने, पर जिहड़ी कल घटना वापरी उस दे विच आपां वेख्या जो वीडियो सामने आईआं कि नौजवान नज़र आ रहे थे सानू, बुजुर्ग भी सी पर नौजवान भी सी जिहड़े इट्टां रोड़े उन्हां दीआं गड्डीआं ते मार रहे सी। नौजवान पीढ़ी नूं की सुनेहा देना चाहुंदे हो, क्योंकि जिहड़ी इदां जे असीं मोर्चे तों हट के गल कर लईए पंजाब दी, जे गल करिए ते पंजाब दी धरती ते हुण सिर्फ नौजवान सिक्खी नूं छड्ड धर्म दीआं गल्लां नहीं हुण हो रहीआं, सिर्फ एक कह लो कि सियासी मुद्दा बन चुकिआ है। नशा जो है वोटां दे समें हुंदी है गल कि नशे तों असीं नशा खत्म कर दांगे, चार हफ्तिआं च खत्म कर दांगे, पर बाद विच नौजवान अज वी नशे दी दलदल च फस रहे ने। नौजवानां नूं किवें सिक्खी दे नाल जोड़ रहे हो? देखो मैं इही सुनेहा देना चाहांगा कि जिहड़े नौजवान उह मोर्चे शामिल हो के बैठे आ उहनां नूं हमदर्दी है, जिहड़े सिंघ जेलां च बैठे आ उहनां नाल और उन्हां दी रिहाई वास्ते वह यतनशील ने। जिहो जिहा कुछ स्टेज तो बोलिया जा रहा है वह ही नौजवानों के जज्बात पैदा करता है, भड़काउंदा है। मैं सारे नौजवानों को बेनती करूँगा कि तुसी वध चढ़ के लंगर की भी सेवा करो, हर तरह की सेवा करो, पर जिहड़ा सहयोग लैना वड्डे पद्धर ते लैना है। फैसला करन वेले जदों फैसला होवेगा ना ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਕਣ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਐਨ ਬਾਜ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਹੱਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਓ ਭਗਤ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਐਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਘੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਦਾਗ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁੱਖ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਿਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।